स्वागत है आपका। मुद्दे की बात इस वक्त हम कर रहे हैं, कोरोना की बात चली है तो आपको बता दें, देखिए कोरोना के कारण किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश के तमाम हिस्सों में काम करने वाले जो उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं, उनकी घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में मजदूर अब धीरे धीरे अपने घरों तक पहुंचते जा रहे हैं, पर बड़ी संख्या में मजदूरों की वापसी ने अब गाँव के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों से लौटे मजदूरों की वजह से गाँव में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब गांव में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश के कई शहरों में कहर बरपाने के बाद अब कोरोना ग्रामीण इलाकों में भी पांव फैलाने लगा है, लेकिन इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है बाहरी राज्यों से हो रही श्रमिकों की वापसी। जो सीधे गांव में आ रहे हैं उनको गांव में आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे ग्रामीण इस मामले में बहुत सतर्क हैं। अगर किसी के घर का कोई व्यक्ति आ रहा है उनको रास्ते में ही रोक दिया जा रहा है, वहीं से जांच सेंटर भेज दिया जा रहा है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पंजाब समेत देश के तमाम हिस्सों से उत्तर प्रदेश के ज्यादातर मजदूर अपने गाँव तक पहुँच चुके हैं। बाहर के राज्यों से आए मजदूरों की वजह से अब पूर्वांचल के कई जिलों में कोरोना के मामलों में तेजी आ गई, लेकिन बाहर से गांव में आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है ताकि अगर उनमें कोरोना के लक्षण हो भी तो वो कम्युनिटी स्प्रेड ना कर सके। ग्रामीण क्षेत्रों का हाल क्या है और किस तरह से ग्रामीण जनता बचाव कर रही है, इसकी एक वानगी हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम भवानीपुर गाँव में हैं और ये लस्सी की दुकान है। आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी दुकानों को खोलने का आदेश हो चुका है और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से यहाँ पे दिख रही है। दुकान के बाहर ये रस्सी और इस रस्सी के इस तरफ ही जो ग्राहक होंगे वो रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही कोरोना के मामलों में तेजी आ रही है, लेकिन यहाँ पर शहरों के मुकाबले कोरोना को लेकर जागरूकता भी ज्यादा देखने को मिल रही है। वाराणसी के पिसौर गांव में प्रधान नंदलाल खुद घर घर जाकर बाहर से आए लोगों की जानकारी लेते हैं ताकि चूक की कोई गुंजाइश ना हो, लेकिन संक्रमण रोकने में गाँव के तमाम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो हम तो गोला बना करके फॉलो कर रहे हैं, जो कस्टमर आ रहे हैं उनको बीच बीच में रोक रहे हैं, भैया आप रुकिए रहिए, गोला में आइए, और गोला में एक एक गोला में जो है आते जाइए और करीब से कम एक डेढ़ मीटर की दूरी बना के रखिए हमारी दुकान से। हालांकि इन तमाम उपायों और एहतियात के अलावा प्रशासन से बाहर के राज्यों से वापस आ रहे सभी लोगों की कोरोना जाँच की भी मांग की जा रही है ताकि संक्रमण पर काबू पाया जा सके। अब जरूरत है प्रशासनिक अमले को ध्यान देने की, इसलिए कि जो प्रवासी मजदूर गांवों के भीतर प्रवेश कर चुके हैं उन्हें कैसे रोका जाए, कैसे उनका इलाज किया जाए। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना का काम चल रहा है, जिसके लिए पार्क में कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि कॉर्बेट में बाघों की संख्या 250 के पार हो सकती है। रामनगर का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रॉयल बंगाल टाइगर का एक कुदरती ठिकाना है। कॉर्बेट पार्क में एक बार फिर से बाघों की गिनती का काम चल रहा है। फेज 4 मॉनिटरिंग के लिए टाइगर रिजर्व में कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं ताकि बाघों की संख्या का पता चल सके। फेज 4 मॉनिटरिंग का काम होता है जिसमें हम कैमरा ट्रैप के माध्यम से, जो कैमरा ट्रैप में फोटो ट्रैप होते हैं टाइगर्स के, उसके माध्यम से मिनिमम नंबर टाइगर के सस्टेन करते हैं। लास्ट टाइगर जो काउंट हुई थी फेज 4 की, उसमें 208 मिनिमम टाइगर जो है कैमरा ट्रैप में कैद हुए थे। अभी इस साल भी फेज 4 टाइगर एस्टिमेशन का काम अभी कम्प्लीट कर लिया गया है। बाघों की गिनती का काम हर चौथे साल किया जाता है। 2006 की गणना के मुताबिक कॉर्बेट में 137 बाघ थे, जबकि 2010 में कॉर्बेट में 174 बाघ पाए गए। 2015 में कॉर्बेट में बाघों की संख्या बढ़कर 215 पहुंच गई। बहुत उत्साहजनक परिणाम पिछली गणना में भी मिले थे और इस बार हमें उम्मीद है कि इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। कॉर्बेट में जो घनत्व के हिसाब से हम देखें तो बहुत अच्छा घनत्व है, लगभग 250 के करीब टाइगर यहाँ पर काउंट किए गए थे। तो अब जो चौथी फेज की गणना है उसमें इनकी संभावना है कि ये लगभग 300 तक पहुँच सकता है।
पिछले कुछ सालों से कॉर्बेट में बाघों को संरक्षण दिया जा रहा है, उसी का नतीजा है कि यहां पर बाघों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ। हालांकि जानकार मानते हैं कि कॉर्बेट में बाघों की टेरिटरी कम हो रही है, जो आने वाले समय में बाघों के बीच टकराव का कारण बन सकते हैं। रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए बीपी गंगा के साथ।